हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला जो कि ओप्पो A97 स्मार्टफोन की। तो फ्रेंड्स, यह स्मार्टफोन जो कि 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरा हम लोग आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रवीन टेक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोग को इसी तरीके की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों, ओप्पो को भारत में लॉन्च कर दिया गया है जो कि 5G वर्जन के साथ इसी स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, इसके पूरे फुल डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। तो इस स्मार्टफोन में जो कि आप लोग को मिलने वाला है 6.66 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है जो कि फुल HD फुल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाला है। इस स्मार्टफोन में रियल कैमरा की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा मिलने वाला है। तो फिर इससे कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, जो कि कैमरा क्वालिटी फुल दमदार फीचर के साथ इस स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी दिया गया है। और इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग हाई क्वालिटी के साथ इस स्मार्टफोन में आप लोग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। फुल सेल्फी के शौकीन है तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को लेते हैं तो आप लोग को 12 मेगापिक्सल का आप लोग को फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो कि बैटरी क्वालिटी की बात की जाए तो आप लोग को इस मॉडल नंबर में जो कि 5G स्मार्टफोन में 5000 mAh का बैटरी, बड़ी बैटरी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कि चार्जिंग सपोर्ट की बात की जाए तो 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में जो कि 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है तो इसमें बड़ी बैटरी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग 2 दिन तक बिल्कुल यूज कर पाएंगे। और गाइस, इस स्मार्टफोन जो कि प्रोसेसर की बात की जाए तो ऑक्टा कोर डायनामेटिक जो कि मीडियाटेक आप लोगों को 810 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जो कि हाई गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोग कर पाएंगे, जो कि फुल क्वालिटी के साथ इस स्मार्टफोन में रेजोल्यूशन जो कि फुल HD के साथ आप लोग गेमिंग जो कि पबजी, फ्री फायर आदि गेम आप लोग बड़ी क्वालिटी वाला गेम आप लोग इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो आप लोग को 12 GB रैम वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और इसमें जो कि 256 GB तक का स्टोरेज आप लोग को इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। और दोस्तों, यह स्मार्ट जो कि एंड्रॉयड 12 पे यहाँ रन चलने वाली है। और फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात की जाए तो 23,000 के आसपास आप लोग को यह स्मार्टफोन मिलने वाली है जो कि 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरियंट वाला यह स्मार्टफोन जो कि 23,000 के आसपास आप लोग को मिल जाता है। जो कि अगर आप लोग ओप्पो स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं जो कि 5G स्मार्टफोन, तो आप लोग इस स्मार्टफोन को आप लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें फिंगरप्रिंट जो कि बैक साइड में दिए गए हैं तो इससे क्वालिटी और स्मार्टफोन की जो कि बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्द इसी हफ्ते आप लोग ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप लोग बिल्कुल आसानी से आप लोग ऑर्डर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो रवीन टेक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।